दादाजी दादाजी, वो वाली कहानी सुनाओ ना, वो गांव की डाइन वाली। अरे बच्चों, अभी रात हो गई है, ऐसे छोटे बच्चे रात को भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनते। दादाजी, अब हम बड़े हो गए हैं, प्लीज हमें भी वो वाली कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनाता हूँ। बात है आज से कई साल पहले की। साल था 1999, जब गांव में दशहरा का पर्व था। सभी लोग मेला देखने जा रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने सड़क पर एक लंबे से साड़ी को बिछा देखा। उस साड़ी को देखकर सबको कुछ ठीक नहीं लगा, सबका उस साड़ी को लांग कर रास्ता क्रॉस करने को मन किया, लेकिन एक आवारा सा लड़का नहीं माना और उसने उस साड़ी को लांग दिया। सड़क के किनारे से गुजरते वक्त लोगों ने बांसवाड़ा के पास से एक आवाज सुनी जो कि पानी के बौछार की थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई नहाता है। लोगों ने जब उस तरफ टॉर्च मारा तो उन्हें एक औरत नहाती हुई दिखी, लेकिन अगले ही पल सबकी टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गया। सब समझ गए हो ना हो ये कोई भूतनी या डायन ही है। सबका शक बिल्कुल यही था, सब उस रात फटाफट वहां से निकले। अगले सुबह गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई कि एक डायन ने इस गांव को श्रापित कर दिया है और वो लड़का जिसने पिछली रात उस साड़ी को लांगा था उसने उसी रात खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सारी खबरें गांव में आग की तरह फैल गई और हर कोई बस उसी डायन की दहशत की बातें करने लगा। अक्सर दशहरा दिवाली जैसे पर्व में गांव खेड़ों में डायने वगैरह घूमा करती है, ये एक आम बात थी। तो लोगों ने सोचा कि जैसे ही दशहरा बीतेगा सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस डायन की तबाही ने अपना जन्म लेना शुरू किया था। दशहरा के 10 दिन बीतते ही गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारे पालतू मवेशी मरने लगे, कोई देर रात उन्हें मारकर उनका पूरा खून चूस लेता, जिंदा बच्चे भी गांव में पैदा नहीं हो रहे थे, गर्भवती महिलाओं का बच्चा उनके गर्भ में ही मर जाता। सबका यही मानना था कि इन सब का कारण वही डायन है जिसने अपने श्राप से पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। गांव में अब खेती होना भी नामुमकिन हो गया था, खेतों में बंजर जमीनें थी, सारी फसल सूख गई थी और इसी कारण कई किसानों ने खुदकुशी कर ली। दादाजी, लेकिन डायन इस तरह लोगों को क्यों मारती थी? क्या वो कोई बदला लेने आई थी? नहीं, वो किसी बदले के मकसद से नहीं आई थी, वो इस गांव को हासिल करना चाहती थी क्योंकि उसे हमारे गांव को अपना अड्डा बनाना था, जिसका सुझाव उसे एक तांत्रिक ने दिया था। कुछ सालों पहले गांव वालों ने उस तांत्रिक के घिनौने कामों की वजह से पीट पीट कर उसे गांव से बाहर निकाल दिया था और उसके ही सुझाव पर उस डायन ने हमारे गांव पर निशाना साधा था।
दादाजी, फिर आगे क्या हुआ? क्या उस डायन ने सबको मार दिया? नहीं बेटा, सबको मारना संभव नहीं था, लेकिन जो नियमों को नहीं मानता वो उस डायन के जाल में आसानी से फंस जाता। नियम? कैसे नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेना, किसी के दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा ना खोलना। लेकिन इससे डायन शांत नहीं बैठी, बल्कि उसने दूसरा पैंतरा आजमाया। अब तो शादी बारात भी गांव में नहीं हो सकते थे, वरना डायन के पास एक भारी मौका होता अपना शिकार फंसाने का। उसने गांव के सभी लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया और उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाना चालू किया। धीरे धीरे उस डायन का आतंक बढ़ता चला गया। दादाजी, फिर गांव वालों को उस डायन से छुटकारा कैसे मिला? गांव वाले उस डायन के दहशत से घबराए थे। इसी बीच सभी में ये खबर उठती है कि ये काम उसी तांत्रिक का है जिसे 3 साल पहले गांव से धक्के देकर बाहर कर दिया गया था। गांव वाले गुस्से में लाल हुए उस तांत्रिक का पता करते हैं और फिर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहते हैं, सुन बे तांत्रिक, उस डायन को किसी भी तरह गांव से बाहर कर। हमें पता है तूने ही उस डायन को हमारे गांव के पीछे लगाया है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे हम ऐसी भयानक मौत देंगे कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाएगा। गांव वाले उस तांत्रिक से उसका कवच छीन लेते हैं जिसके सहारे वो जिंदा था। अगर कुछ दिनों में उसे वो कवच दोबारा नहीं मिलेगा तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगा, जिससे उसकी सालों की तपस्या पर पानी फिर जाएगा। तांत्रिक को मजबूरन गांव आना ही पड़ा। उसने साल के आखिरी रात को साधना शुरू की। साधना में मैं और मेरे दो और साथी बैठे थे। तांत्रिक ने मंत्रों को जपना शुरू किया। वो डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हुई, जो कि बहुत ही डरावने चेहरे के साथ आई थी। उसे देखकर हम सब अंदर से कांप गए, लेकिन भाग भी नहीं सकते थे। अगर भागते तो जान से हाथ धोना पड़ता। अब तुझे इस गांव को छोड़ देना चाहिए, मेरा मकसद पूरा हो गया है। मकसद तो तेरा पूरा हुआ है, मेरा नहीं। आई तो मैं तेरे मकसद के लिए थी, लेकिन जाऊंगी अपना मकसद पूरा करके। वो डायन गांव छोड़कर जाने को नहीं मानती। फिर तांत्रिक अपना सबसे ताकतवर योग शुरू करता है और कई घंटों तक चली साधना के बाद आखिरकार वो डायन कमजोर पड़ जाती है और फिर तांत्रिक उसे सामने के पीपल के पेड़ में बांध देता है। मुक्त होने के लिए तांत्रिक उसे गांव छोड़कर चले जाने की शर्त रखता है। देख, अगर तू चाहती है कि तू आजीवन इसी पेड़ में बंधी रहे तो अब भी अपनी जिद पर बनी रहे, और अगर तू इस गांव को छोड़ने का वादा करती है तब मैं तुझे आजाद कर दूंगा। ठीक है तांत्रिक, मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स आज की रात हुई दासा का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करेगा, अन्यथा मैं उसके सामने आ जाऊंगी और उसे मार दूंगी। इतना कहते ही वो डायन बेहोश हो जाती है और तांत्रिक उसे पेड़ से आजाद कर देता है और गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। अरे दादाजी, आपने तो कहा कि उस डायन ने सबसे ये वादा लिया था कि कोई भी उस रात की दास्ता का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा, वरना वो सामने आ जाएगी। आपने तो हमें ये सब बता दिया। हे राम, ये मेरे से क्या हो गया?
बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई, जो अपनी मौत को बुलावा दे बैठा। तभी घर की लाइट चली जाती है और हल्की रोशनी में उन तीनों को सामने एक औरत की बड़ी परछाई नजर आती है। और तभी दादाजी को एक तेज दिल का दौरा पड़ता है और दादाजी की कहानी और उनके जिंदगी की अवधि यहीं समाप्त हो जाती है। माया एक ऐसा शब्द है जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तब उससे बाहर आने की कोशिश में वो ना जाने कितनी ही चीजें गवा चुका होता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही गांव पर आधारित है जिस पर किसी जमाने में एक मायावी डायन का कब्जा हुआ करता था, जो बड़े हैरत अंगेज तरीके से अपना शिकार करती थी। अरे श्यामजीत, अब तुमको क्या ही बताए, कल रात वो डायन मेरे दरवाजे पर भी कटोरा लेकर पहुंची थी। हम चुपचाप बैठे रहे, दरवाजा नहीं खोले, वरना मरना तो निश्चित था। हाँ बबलू, तुम एकदम सही किए। वो अपनी माया से किसी को भी फंसा कर अपने कब्जे में कर सकती है। वैसे ही गांव के कई लोग उसके कैद में जा चुके हैं। अब मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारी भाभी अनुपमा की डिलीवरी है तो वो भी मायके गई है। ऐसे में तो और सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ यार, अच्छा ही है। वैसे भी इस माहौल में गर्भवती औरत का इस गांव में होना ठीक नहीं। अब क्या ही बताए, ये गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, वैसे मैं तो काफी समय से शहर में था तो मुझे इसके बारे में अब तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा क्या खास है इस डायन में जो लोग इससे इतना खौफ खाते हैं? अच्छा, तो तुमको अब तक वो कहानी नहीं पता? गांव का बच्चा बच्चा उस मायावी डायन के बारे में जानता है। बताओ यार, क्या कहानी है? अब अगर तुम इस कहानी से अनजान हो तो अनजान ही बने रहो, जानकार बनना ज्यादा खतरनाक है। ये पहेलियों में मुझसे बात मत करो, साफ साफ बताओ क्या कहानी है। देखो, शाम ढलने की कगार पर है, घर पहुंचकर इत्मीनान से बताऊंगा, अभी बताना सही नहीं है। कैसे डरपोक इंसान हो यार, अभी रास्ता भी लंबा है, बात करने को कुछ है ही नहीं, इसी सहारे रास्ता भी कट जाएगा जल्दी से। चलो बताओ अब। श्यामजीत के लगातार जिद करने पर बबलू मान जाता है और भगवान का नाम जपते हुए उस खौफनाक दास्ता पर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है जिससे पूरा गांव डरता था। देखो, अब तुम्हारे जिद करने पर मैं बताने को तैयार तो हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रास्ते में किसी भी समय कोई भी चहल पहल महसूस हो तो भूल कर भी पीछे नहीं पलटना और ना ही किसी भी आवाज का पीछा करना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा से तुम्हारी आदत रही है। हाँ मेरे बाप, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, तुम बोलना शुरू करो। सालों पहले गांव में दूर से एक औरत आकर बस गई थी। उसकी एक कुटिया थी। दिन में वो एक आम बुढ़िया जैसी ही थी, लेकिन रात ढलते ना जाने कौन सा चमत्कार हो जाता कि वो बदसूरत सी दिखने वाली बुढ़िया एक खूबसूरत अप्सरा में बदल जाती और पूरे गांव में लालटेन लिए भटकती। उसका असली मकसद होता था भटकते हुए नौजवानों को उनके घर तक पहुंचाना या किसी राहगीर का हमसफर बनना, लेकिन ये बस उसकी माया थी। असल में उसको किसी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो इसी बहाने नजर रखती थी
और भटकते हुए इंसान को अपनी कुटिया के पास ले आती और गाड़ देती। बहुत खूब, लेकिन एक बात बताओ, वो कोई गांव की भी महिला तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि वो वही डायन हो। ये बात भी एकदम ठीक बोली तुमने, लेकिन इसकी भी अपनी पहचान है। वो औरत कभी भी तुम्हारी आंखों में नहीं देखेगी, वो बस अपनी माया रचेगी, और अगर शुरुआत की आधी मिनट में तुम उसके जाल में फंस गए तब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। बबलू श्यामजीत को उस खौफनाक कहानी के बारे में बताता है और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उनकी पीठ पीछे से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। मुझे लगता है उस मायावी डायन ने हमें देख लिया है, जल्दी भागो अब यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बबलू? कोई बच्चा जंगल में खो गया है और अपने माता पिता के लिए रो रहा है, और तुम यहाँ से कायरों की तरह भागने की बातें कर रहे हो। किसी ने सही ही कहा है, जब नसीब में जिंदगी का अंत होता है तब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और यही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर अभी नहीं भागे तो मेरे दोस्त, अब मुलाकात तुम्हारी कब्र पर ही होगी। इतना कहकर बबलू पूरी ताकत से वहां से भागता है, लेकिन श्यामजीत अभी भी अपने मन की दुविधा में फंसकर खड़ा का खड़ा रह जाता है और फिर धीरे से पीछे पलटता है। श्यामजीत अब जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर उसी की गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ी होती है, जो दर्द से छटपटा रही थी। अनुपमा, तुम तो मायके गई थी, यहां क्या कर रही हो? श्यामजीत सोचता है शायद मायके से घर लौटते वक्त उसने इसी जंगल का रास्ता चुना, वो तो शुक्र है श्यामजीत भी यहीं था। तभी एक गहरे कोहरे से भरी रात छाने लगती है। श्यामजीत अनुपमा की आंखों में बार बार देखकर उससे हिम्मत रखने को कह रहा था, पर वही हुआ जिसका डर था। अनुपमा बार बार श्यामजीत की तरफ देखने से बच रही थी, ठीक वैसे जैसे बबलू ने उस मायावी डायन की कहानी में बताया था। तभी श्यामजीत उस बच्चे के रोने की आवाज पर गौर करता है। अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि अगर बच्चा पेट में है तो उसके रोने की आवाज कैसे सुनाई पड़ रही है। इतना सोचने के साथ ही उसके ठीक अपने सामने एक कुटिया नजर आती है। अब तक श्यामजीत को सब समझ आ चुका था कि ये अब उसके साथ क्या हो रहा है। ये महज एक माया है जिसमें वो फंस कर रह गया है और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच गया है। श्यामजीत तुरंत वहां से भागने के लिए उठता है कि तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाती है, जिसके इर्द गिर्द जादू की छवि प्रकट होने लगती है। अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धंसने लगता है और तेज खींचता हुआ जमीन में जिंदा दफन हो जाता है। बबलू ने सबसे बड़ी भूल ये कर दी थी कि उसने समय और जगह नहीं देखी। उसने ये कहानी तभी सुनाई जब वो उस मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजर रहे थे। आज भी उस गांव का जंगल उसी मायावी डायन के दहशत से कांपता है, क्योंकि इंसान एक बार मौत से बच जाए लेकिन माया से बचना इंसान की फितरत में नहीं। नितिन इस बार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने दोस्त राघव के गांव गया था। उसके पास अभी 2 हफ्ते बाकी थे जो वो उस गांव में बिताने वाला था। एक शाम यूं ही बरामदे में बैठे हुए नितिन राघव से पूछता है, यार तेरा ये गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है, मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आता है,
लेकिन यार ऐसा क्या है कि शाम ढलने के बाद इस गांव में कोई परिंदा भी नजर नहीं आता? ऐसा क्या अजीब है तेरे गांव में? भाई नितिन, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ऐसे ऊटपटांग से सवाल मत पूछा कर। बस इतना समझ जा कि जैसे यहाँ के लोग रहते हैं वैसे रहने की कोशिश करना। कल रात को भी मैंने तुझे फोन पर बात करते हुए छत पर जाते देखा। मैंने तुझे बोल रखा है, एक बार अंधेरा हो जाए तो फिर बेडरूम में चले जा और फिर शांति से रहना है। वाह भाई, अब ये गांव वाले क्या कम थे जो अब तू भी इस फालतू बकवास में शामिल हो गया। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ये भूत प्रेत में फंसा है। देख नितिन, मैंने तुझको पहले भी बोला है और अब भी बोलूंगा, अगर अपनी सलामती चाहता है तो जब तक तू गांव में है सावधान और सतर्क रह। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। इधर अकेले बैठा नितिन राघव की बातों को मन ही मन सोच सोच कर हंस रहा था। ये राघव भी ना, जब भी गांव आता है इसका हाव भाव ही बदल जाता है। वैसे ये सब बेवकूफ होंगे लेकिन मैं इनकी तरह डरने वालों में से नहीं हूं। अरे जो चीज होती ही नहीं उसके चक्कर में मैं अपनी आजादी क्यों छोड़ू। नितिन को राघव की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था और ना उसके मन में कोई डर था। लेकिन जैसा कि एक कहावत प्रचलित है, कई बार डरना जरूरी भी होता है, क्योंकि कई दफा ये आपको मौत और भयानक तबाही से भी बचा सकता है। आज की रात नितिन का सामना भी कुछ ऐसी ही खौफनाक सच्चाई से होने वाला था, जिससे टकराने के बाद इंसान वापस नहीं लौटता। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे रात और काली होती जा रही थी। इसी बीच नितिन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। हेलो अंजलि, कैसी हो? लेकिन तभी उसके कमरे में सिग्नल वीक पड़ जाता है, जिससे वो घर से बाहर आ जाता है। उसके फोन का सिग्नल अभी भी वीक ही था, इसीलिए वो गांव के सुनसान इलाके में सिग्नल तलाशते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो रहा था और अब वो अच्छी तरह बात कर पा रहा था। बात करते करते एक लंबा वक्त गुजर गया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और नितिन भी बात करते करते बहुत दूर आ चुका था, जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी उसे अपने पीछे तेज पायल खनकने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसे बड़ा अजीब सा लगता है, गांव की कोई औरत और वो भी इस वक्त। इतना सोचता हुआ वो जैसे ही पीछे पलटता है उसके होश उड़ जाते हैं। एक जले हुए चेहरे वाली औरत, जिसके पैर उल्टे थे और आंखें काली, वो उसके करीब आती है और इसके साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाता है और वहीं फिसल कर गिर जाता है। इसके साथ ही उसके फोन की बैटरी भी जवाब दे देती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो डरावनी औरत नितिन की नजरों के सामने से गायब हो जाती है। अब ये उसका भ्रम था, वहम था या फिर जो भी था, इससे उसे एक तेज धक्का जरूर पहुंचा था। अरे यार, ये ना जाने मैं घर से कितना आगे आ गया। यार कहीं वो राघव की बात सच तो नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसा भी भला होता है क्या कहीं? छोड़ो यार, अब जल्दी से घर जाता हूँ। अगर घर वाले जाग गए और मुझे नहीं पाया तो बहुत गुस्सा करेंगे। इतना सोचते हुए नितिन तेज कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ ही पल में उसके बढ़ते कदम थम जाते हैं। ये देखकर कि सामने एक पेड़ के पास एक उल्टे पैर वाली औरत स्थिर खड़ी है। भले वहां कोहरा अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में नितिन को वो उल्टे पैर साफ साफ नजर आ रहे थे।
जो किसी औरत के थे। वो औरत पेड़ से सटी नितिन के ठीक उल्टी दिशा में खड़ी थी, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। इस बार फिर उसे शक होने लगा कि कहीं ये भी उसका वहम तो नहीं। लेकिन इस बार जो वो देख रहा था वो उसका वहम नहीं, एक खौफनाक सच्चाई थी। इसके बाद वो वापस पीछे मुड़ जाता है और अपना रास्ता बदल देता है और दूसरे रास्ते से घर की तरफ जाने लगता है। ये रास्ता एक कच्ची सड़क जैसा था जो कि एकदम सुनसान और अंधेरे में खोया नजर आ रहा था। नितिन घबराया हुआ लगातार उस रास्ते से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक और बात थी कि उसे खुद नहीं मालूम था कि ये रास्ता आखिर जाता कहां है। अब क्योंकि वो इस गांव से नहीं था तो उसे बहुत कम जानकारी थी यहां के लोग और यहां की सड़कों के बारे में। वो बस यूं ही चले जा रहा था क्योंकि मेन रोड पर वो चुड़ैल घाट लगाए खड़ी थी। नितिन उस कच्चे रास्ते पर भी काफी आगे तक आ चुका था और तभी अचानक वो रास्ता खत्म हो जाता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और तभी अचानक से सामने वही औरत प्रकट होती है जो उसे अभी चौराहे पर दिखी थी। नितिन डर के मारे कपकपाने लग जाता है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो ठीक से खड़ा भी रह सके। तभी वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलती है, क्या तुझे इस गांव में देर रात भटकने का अंजाम नहीं मालूम? अंजाम केवल मौत है, मौत। अब इसके लिए तैयार हो जा। इसके बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़कर उसे जंगल के रास्ते पर खींचने लगती है। नितिन लगातार रहम की भीख मांगता है। नहीं, अरे अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं मालूम था। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है, नितिन नितिन। यह आवाज राघव की थी। इस आवाज को सुनते ही नितिन खुशी से चिल्लाने लगता है, राघव मेरे भाई, मैं यहां हूं, जल्दी से आ जा। राघव अपने दादाजी के साथ हाथ में मशाल लिए वहां आता है। मशाल को देख के वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और नितिन मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच जाता है। जिसका डर था वही हुआ ना, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वो तो शुक्र है तेरी गर्लफ्रेंड का, जिसने कॉल कट होने से पहले तेरी चीख सुनी और तुरंत मुझे कॉल किया और हम यहाँ पहुंचे, वरना आज तो तेरी जिंदगी का चैप्टर क्लोज था। अरे हाँ यार, अब मुझे याद आया, जब मैं पहली बार उस चुड़ैल को देख कर चीखा था तब मेरा फोन चालू ही था। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तुम्हारे जैसे बच्चे ना जाने इस उम्र में क्यों इतनी नादानियां करते हैं। जब तुम्हें बोला गया है कि एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल इस गांव में हर रात घूमती है और जवान पैरों के तलाश में होती है, तो तुम्हें इसका खौफ होना चाहिए। खैर, ऐसी बेवकूफी फिर कभी दोबारा मत करना। इसके बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। गांव घरों में यही मानना है कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टे होते हैं, जिससे आप एक बड़ी सी भीड़ में भी ये पहचान सकते हो कि कहीं इंसान के भेष में आपका सामना किसी चुड़ैल से तो नहीं हुआ।